राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यम्मी वाली है। तो आम का सीजन चल रहा है, लोग नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने भी आज एक रेसिपी ट्राई कर ली है जो आम से बनी हुई है, जो बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम एक चम्मच घी या बटर डालेंगे। बटर को हम यहाँ पे मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें हम तीन जो पके आम हैं उसके पल्प हम बटर में डाल देंगे। इसे हमें डाल के अच्छे से यहाँ पे पकाना है आम को। बटर के साथ इसे हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है अच्छे से। ये आम की रेसिपी आप लोगों ने शायद पहले कभी देखी हो या ना देखी हो, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब आम जो है 2 मिनट पक जाए, इसके बाद हम इसमें 3 चम्मच जो है नारियल का बुरादा डालेंगे, उसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि 3 कटोरी यहाँ पे हम नाप के पानी लेंगे। आप किसी भी कटोरी या कप से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी शीशे की कटोरी है उससे मैंने जो है पानी लिया है। आप पानी को आम में अच्छे से मिला लेंगे। इसे अब इसे एक उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आएगा ना पानी में, जिस कटोरी से हमने पानी नाप किया है उसी कटोरी से, 3 कटोरी पानी है तो यहाँ पे हम 1.5 कटोरी चावल का आटा हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो अच्छे से ये मिक्स होगा। तो यहाँ पे एक बेलन या आप कुछ भी मिलाने के लिए आप ले सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जो है वो चावल का आटा इसमें डाल दिया है। अभी गैस ऑफ नहीं करेंगे। इसे हम जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम लास्ट में इसमें गैस ऑफ करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद इसे हम ढक देंगे और इसके बाद हम चलेंगे एक तरफ की एक प्लेट लेंगे। उसमें मेरे पास 4 पेड़े थे। आप यहाँ खोआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास खोआ नहीं थे, मतलब बनाने का इतना नहीं था। मैंने जस्ट सोचा कि चलो आम से एक नई रेसिपी बनाते हैं, तो मेरे पास पेड़े पहले से पड़े हुए थे। तो मैंने पेड़े को यहाँ पे ना घिस लिया है। घिसने से ना ये बहुत ही अच्छा जो है पाउडर जैसा हो जाता है, और जिसे कि आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो पेड़े घिसे हैं उसमें 3 चम्मच जो है यहाँ पे मैंने नारियल का बुरादा लिया है। थोड़े से किशमिश काट के रखे हैं, थोड़े से काजू काटे हैं, थोड़े से बादाम काटे हैं, और इन सभी चीज़ों को जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। आप तोड़ के भी पेड़े रख सकते हैं, लेकिन तोड़ने पे ना ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा जब आप ऐसे करके रखेंगे ना। और ऐसे पेड़े बनाने से भी ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम आटा चेक कर लेंगे। आटा बहुत ही अच्छे से जो है ना मिक्स हो गया था, और ये बहुत ही फूला फूला सा आटा हो गया था और इतना सॉफ्ट हो गया था, मैं आपसे क्या बताऊँ। और इसे देखिए, मैं आपको लोई करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी लोई जो है ना नहीं फट रहा है, आप एक देख सकते हैं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लेते हैं एक बर्तन में पलट के। तो ऐसे हाथों से आप मसल मसल के इसे 2 मिनट तक मसलेंगे तो ये आटा जो है ना और सॉफ्ट हो जाएगा, और ये पिट्ठे हैं ना आपके वो और अच्छे बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल कड़ा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आटे को जो है ना मिला के अच्छे से रख लिया है। अब हम पेड़े के आकार का हम लोई लेंगे और उसे हम थोड़ा सा हाथों से फैला के, आप ऐसे चम्मच से भी डाल सकते हैं या पेड़े बना के, मैंने आपको दिखाए थे, पेड़े बना के भी डाल सकते हैं। आपको जैसे आसानी हो आप वैसे डाल सकते हैं। आप इसे चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पिट्ठे का शेप दिया है।
आप जैसा शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। इसी तरह हम क्या करेंगे ना, एक एक लोई लेंगे और उसे हम रोटी इतना पेड़े जितना फैला लेंगे, और इसके बाद उसमें हम जो है पेड़े का जो हमने पिट्ठी बना के वो रखा है वो डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, मेरे साढ़े जो पिट्ठे थे वो बन गए हैं, यहाँ पे इतने अच्छे बने हैं, एक भी फटा हुआ नहीं है, कहीं से भी नहीं निकला हुआ है, और ये बहुत ही आसानी से और फटाफट बन गए हैं। और थोड़े पास मेरे मिश्रण बच भी गए हैं यहाँ पे, इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 3 पाव के लगभग दूध रखा है। 3 पाव के पास दूध में मैं आधी कटोरी यहाँ पे चीनी रख रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, चीनी में 2 चम्मच जो है दूध में मिल्क पाउडर डालेंगे, ताकि जो दूध है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि पिट्ठे में थोड़ा सा गाढ़ा दूध होता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, ऐसे पतला पतला दूध अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद जो मिश्रण बचे हुए थे वो भी हम दूध में डाल देंगे। इसके बाद उसे अच्छे से हम मिला लेंगे, और बस थोड़ा सा दूध यहाँ पे गाढ़ा होगा, वो उबल जाए अच्छे से दूध, फिर हम इसमें पिट्ठे जो है डीप करेंगे। यहाँ पे दूध बहुत अच्छे से खौल गए थे, 2-4 मिनट तक खौल रहे थे दूध। इसके बाद हम बारी बारी से एक एक पिट्ठा हम इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी सचमुच आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, इतनी सॉफ्ट कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी आम का सीजन बहुत अभी बचा हुआ है, बहुत ही अच्छे से मार्केट में आम भी मिल रहा है। जब सारे पिट्ठे डाल देंगे ना इसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, आधी छोटी चम्मच इसमें हम इलायची का पाउडर जो है वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2-4 केसर के धागे वो भी डाल देंगे। यहाँ पे इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि पिट्ठे भी पहले से पके हुए हैं और दूध भी पहले से खौला हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जो है ना, इतना सॉफ्ट है कि ये टूट रहे थे। और इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसके बाद इसे ढक देंगे। दोबारा हम चेक करेंगे, पिट्ठे इतने मतलब फूले फूले थे ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था, खाने का तो आप सोचो ही मत कितना टेस्टी लगा था। ये आम से मैंने बनाए ही, क्योंकि आम बहुत पके हुए हैं, पड़े हुए हैं घर में, तो मैंने सोचा कि कैसे ख़त्म हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी यम्मी थी ना ये, और आप कुछ मीठा बनाओ तो मतलब अच्छा लगता है सबको घर में। और इसे जब मैं एक प्लेट में निकाल दी, फिर साथ में थोड़ा सा पिस्ता लेके इसे सजा दी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितना अंदर से इतना जूसी है ना, ये अंदर तक जो है ना इसका जो दूध गया है ना वो बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ और बाय बाय करती हूँ।